हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं हमारे गांव के जो भाई सबसे बड़ा जो जोहड़ जो भाई पानी की निकासी के लिए बनाया गया वहां पर आऊँ, उस जगह पे हूँ मैं अभी। ये जोहड़ भाई किस लिए बनाए गए सारी डिटेल मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। ये देख लो, आपको पता होगा, अगर जिसको नहीं पता ना भाई वो मेरे चैनल पर जाओ और 17 जुलाई 2023 की वीडियो देखो भाई, 11 महीने पहले की। अगर किसी को नहीं पता है ना तो इस जोड़ के बारे में, इस जोड़ की डिटेल में बताऊंगा ये इतना भाई इतना गहरा क्यों बनाया गया है, इसके पीछे भाई रीजन है बहुत तगड़ा वाला। तो भी चलते हैं भाई, आपको थोड़ा दिखा देता हूँ मैं एक बार सारा ये जोड़ देख लो भाई किस रीजन से बनाया गया है। और 17 जुलाई 2023 के अंदर भाई इतना तगड़ा फ्लड आया कि सारा ये भाई जोड़ वो सारा पानी से भर गया और गाँव के अंदर तक भाई पानी घुस गया। और अभी देखो उस फ्लड को देखते हो भाई, ऐसा जोड़ बनाया कि सारा मतलब सारा पानी यहाँ पे स्टॉक किया जाए, है ना। तो एक बार सारा जोड़ दिखा दो, वो कितना खतरनाक वाला जोड़ बनाया और पूरे गांव की सेफ्टी के लिए बनाया गया ये जोड़। ये देख लो, पूरा देख लो जोड़, और इसकी गहराई भाई बहुत खतरनाक वाली रहने वाली है, क्योंकि पिछले फ्लड को देखते हो भाई ये जोड़ बनाया गया है, जो कि अभी हमारे गाँव के अंदर है, गाँव भिरडाणा के अंदर, और काफ़ी गहरा। ये देख लो, इसकी हाइट भी मैं आपको बता दूंगा कितना गहरा है, सब कुछ बताऊंगा। और देखो दो पार्ट में बनाया गया है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। तो दोनों पार्टों को मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये देखो बीच में जो दीवार खींची गई है ना, ये दो पार्टों में डिवाइड करती है इनको। और ये देख लो, एक साइड में ये है, एक साइड में ये है, कम पानी के लिए ये है और ज़्यादा पानी के लिए ये है। तो एक बार दीवारें देख लो चारों ओर से भाई, काफ़ी गहरा जोड़ है। तो दोस्तों इस जोहड़ की गहराई भाई रहने वाली है 32 फीट। ये देख लो 32 फीट गहराई ये जोहड़ बनाया गया, ताकि जो पिछली बार जो भाई 2023 के अंदर 17 जुलाई 2023 के अंदर जो फ्लड आया था उसको देखते हुए इस जोहड़ का भाई निर्माण किया गया। और देखो कितना बड़ा जोहड़ बना दिया भाई गांव की सेफ्टी के लिए, भाई गाँव वाले के और जो गाँव के भाई जो भी यहाँ पे जो रहने वाले उनकी सेफ्टी के अंतर्गत बन रहा है भाई ये जोहड़ जो देख लो। और काफ़ी बड़ा जोहड़ है, पानी का भाई फुल स्टॉक कर सकते हैं यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बचाव हो सकता है अब की बार भी। अब की बार भाई बारिश को देखते हुए, और अभी देखो कितनी बारिश हो रही है ना, तो लगातार भाई बारिशें हो रही है और लगातार भाई बाढ़ आ रही है, देखने को मिल रही है हमें उस साइड में, पंजाब साइड एरिया में, और केदारनाथ हरिद्वार साइड उस साइड भाई फ्लड भी आ रखा है। और भाई हर नदियों में पानी का जो बहाव भाई वो ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है अभी फिलहाल और बाहर की। और अभी देखो ये देख लो एक बार उस साइड में, देखो बाउंड्री देखो भाई कितनी ऊंची ऊंची बाउंड्रियाँ बना रखी है, ताकि पानी का जो पानी की निकासी वो भाई इसके अंदर अंदर ही अंतर्गत रह सके, ताकि पानी जो बाहर ना जा सके, गांव के अंदर ना जा सके। और गांव का रास्ता इस साइड में देख लो, ये एक बार रास्ता दिखा दो आप सारा। ये देखो इस साइड में गाँव का रास्ता है, ये देखो ये गाँव का रास्ता है, इस साइड से गाँव का रास्ता है और पानी इस साइड ना जा सके, उसी के लिए देखो सारी बाउंड्रियाँ भाई 32 फुट ऊँची की गई है, ताकि पानी का जो भाव है वो तेज़ी से ना हो सके और बाहर ना जा सके। तो अभी के फिलहाल ये देखो हालात देखते हुए इस जोड़ को बनाया गया है। तो अभी तो गाइस अभी आपको मैं आगे थोड़ा चल के दिखा देता हूँ। आगे देखो जो ये पुली बना रखी है, इसके ऊपर चल के देखते हैं कितना आगे तक जाएंगे। जोहड़ के भाई बिल्कुल बीचों बीच आ चुका हूँ मैं, और दो पार्टों में भाई डिवाइड कर रखा है। देखो एक इस साइड में जो कम पानी भाई, अगर कम पानी आएगा फ्लड की वजह से तो इस साइड में यहाँ पे रुक जाएगा, अगर भाई फ्लड की और से अगर ज़्यादा पानी आए तो इस साइड में देखो वो बाउंड्रियाँ देख लो, अगर 32 फीट की बाउंड्रियाँ बना रखी है, ताकि जो पानी का बहाव है वो अगर तेज़ी से आए तो पानी गांव की ओर ना जाए, बाहर ना निकले पानी। और ये देख लो उस साइड में देखो कितनी तगड़ी तगड़ी बाउंड्रियाँ बना रखी है। और पिछली बार अगर पानी आए ना भाई, पिछली बार सारा पानी गाँव में घुस गया और फतेहबाद की ओर चला गया भाई सारा पानी, ताकि फतेहबाद की ओर भाई बांध लगाया गया, उसी वजह से भाई शहर बच गया। और उस साइड में भाई काफ़ी बड़े बड़े जोहड़ है, और उसी जोहड़ को देखते हुए गाँव के अंदर भी भाई इस जोड़ का निर्माण किया गया, ताकि अगर पानी आए, अगर बाढ़ आए तो किसी गांव का नुकसान ना हो और खेतों का नुकसान ना हो, फसल का नुकसान ना हो, उसी को देखते हुए देखो इतना बड़ा जोड़ बनाया गया गांव के अंदर। तो ये देख लो कितना बड़ा जोड़ है भाई, एक बार सारा जोड़ देख लो भाई साहब, खतरनाक वाला जोड़ बनाया। और इस साइड भाई एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट, जो कि छोटा सा है बिल्कुल उस साइड में, ताकि गाँव वाले पानी की मतलब जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके,
जैसे कि भाई पशुओं को नहलाना, कुछ भी मतलब लगा सकते हो गाँव, पानी की तो भाई ज़रूरतें पड़ती रहती है। तो उस साइड में एक छोटा सा पार्ट और डिवाइड कर रखा है उस साइड में, ताकि गांव वाले पानी ले सके। उस साइड में एक कॉलोनी है देखो भाई, और उस साइड में दो चार घर भाई गिर चुके थे पिछली बार जब फ्लड आया था, उस साइड में दो चार घर गिरे थे। उस साइड से सारा पानी की निकासी उस साइड से आ रही थी, और इस साइड से सारा पानी निकाल दिया गया। देखो वो उस साइड में, देखो वो आपको वहाँ पर टिल्ला सा दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से सारा पानी निकाला गया और उस साइड से सारा पानी आया। वो देखो वहाँ से रास्ता है, एक बार जूम करके दिखा दो सारा, देखो वो रास्ता दिखाई दे रहा। और बड़े बड़े भाई यहाँ पे पाइपें लगाई गई है, ताकि गांव का जो कॉलोनी का पानी वो जोहड़ के अंदर आ सके, और काफ़ी बड़ा जोहड़ बना दिया इसको। तो दोस्तों आपको ये जोहड़ भाई कैसा लगा, गाँव का मतलब सबसे बड़ा जोहड़, और मतलब सिटी का भाई सबसे बड़ा जोहड़ बोल सकते हैं इसको, और किसी गाँव के अंदर नहीं है ऐसा जोहड़ जो कि पानी की पानी को इतना स्टॉक है भाई। 32 फुट गहरा जोहड़ बनाए गए पानी के स्टॉक के लिए, अगर बाढ़ वगैरह आए, फ्लड वगैरह आए, कुछ भी आए, तो इसके अंदर सारा पानी इकट्ठा हो सके। तो गाइस नीचे से तो सारा अपने जोहड़ देख लिया, और ऊपर से आपको दृश्य दिखाते हैं कैसा दिखाई देता है। तो भी चलते हैं ऊपर की ओर। तो गाइस अभी ऊपर के स्टेप पे आ चुके हैं, और ऊपर से आपको इसका जो है गांव का जोड़ा इसका दृश्य दिखाते हैं कैसा दिखाई देता है। तो एक बार ऊपर से नज़ारा और देख लो इस जोड़ का, पूरा दिखा दो एक बार चारों ओर से। बस तो गाइस इसी के साथ व्लॉग का करता हूँ एंड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन दबा देना, और चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसी साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।